एक पॉइंट दैट क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 अगले मेथड है, अगर आपके ऐसे कोई नंबर हो ए के पास मोशन के सेम, ये एक्स आपके यहाँ भी लगे, यहाँ भी आए, यहाँ भी आए, यहाँ भी आए, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके 0। इसके हिसाब में हम 0 लिखेंगे अगर सेम आ जाए तो। जैसे ये रहा ए एक्स बी एक्स सी एक्स बी एक्स, यहाँ एक्स था तो एक्स इतनी 0 लिखा, यहाँ क्या लिखेंगे हम ए एक्स प्लस बी एक्स इजिकल टू सी एक्स प्लस डी एक्स। अब तो इसका वैल्यू आएगा x इजिकल टू 0, मतलब a के पास जो लिखी हुई संख्या है उसका वैल्यू 0। तो a के पास क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, ये संख्या सेम आ रही है। तो जैसे हमने यहाँ का x इजिकल टू 0, यहाँ क्या लिखेंगे हम x माइनस 1 इजिकल टू 0, उधर भेज दो x का वैल्यू आ जाएगा 1। यस, ये पहला मेथड यहाँ काम करेगा। ए बी सी डी आए या कुछ भी नंबर आए, अलग अलग आने चाहिए, लेकिन यहाँ जो नंबर थे वो सेम आए, सेम आए तो इसके सामने क्या लिख देंगे हम 0 लिख देंगे। ये आपके इसमें काम आया है, फर्स्ट मेथड काम है, लिख सकते हो मैंने प्रथम का प्रयोग किया है, प्रथम मेथड का प्रयोग किया है, प्रथम विधि का प्रयोग किया है। लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है, ये फॉर्मूला लिख सकते हो आप। अगला है आपके, जब पीछे जो नंबर है वो सेम सेम आ जाए तो ऐसा वैल्यू क्या होता है आपके 0 होता है, वही इसका वैल्यू 0 होता है। जैसे यार प्लस है, कोई मल्टीप्लाई नहीं, गुणा नहीं करना है, यहाँ प्लस है तो सिंपल लिख लो 2x + 1 + x + 3 = 5x + 4, 2 और 1 कितने हो गए आपके 3x + 4 और 5x + 4 3x और 3 और 1 4। अब यहाँ देखो आपके ये नंबर अलग अलग हो सकते हैं, जैसे ये रहा 3 है, यहाँ 5x है, अलग अलग हो सकते हैं, एक साथ ये नहीं, लेकिन पीछे वाले नंबर सेम हो, ये जो नंबर सेम बता था ये हम ax + b = 3x + b, x का वैल्यू क्या होगा आपके 0 होगा, ये दो नंबर सेम हो, ये नंबर सेम हो तो हमने क्या हुआ x का वैल्यू क्या आएगा आपके 0 आएगा, इसका उत्तर आएगा 0। जो आपने दे रखा है उसके सामने क्या लिखना है आपको, 0 लिखना है। थर्ड, इसमें गुणा करो, एक्स गुणा करें, एक्स से क्या आएगा आपके एक्स स्क्वायर, एक्स गुणा करो 9 से कितना आएगा आपके 10 का 9x, फिर इस ए को गुणा करें एक्स से क्या आएगा 1x, ए को गुणा करो 9 से कितना आएगा 9, फिर यहाँ आपके गुणा करो कितना होता है एक्स स्क्वायर, इसको इससे गुणा करो -k 11x, इसको इससे गुणा करो कितना आएगा आपके -k 8x, और फिर क्या आएगा -k 88। अब ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस आ जाएगा 9 और 10x + 9, और ये हुआ एक्स स्क्वायर 11 और 8, दोनों ही आपके माइनस के, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये -k 8x - 11x ये हो जाएंगे -k 19x + 10। सवाल ही मैंने गलत उतार दिया है, यहाँ भी प्लस का 3 है और यहाँ भी प्लस का 3 है, तो अब गुणा कितना आता है आपके एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स को गुणा करें, एक्स को कर लिया तीन गुणा करें कितना 3x + 9, एक्स स्क्वायर प्लस 3 और 3 6x + 9। अब ये नंबर कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, पीछे वाला जो नंबर है ये दोनों नंबर सेम, मतलब ये वाला अगले वाले कोई भी नंबर हो, लेकिन जो आपके अचर पद है, जो आपके कॉन्स्टेंट टर्म है अचर पद है वो वाला अगर आपके सेम है, ये और ये सेम है, मतलब कि ax + b = cx + b, ये दोनों सेम है, बी बी नंबर, x का वैल्यू क्या आएगा आपके 0, यहाँ भी एक्स का वैल्यू क्या आएगा आपके 0 ही आएगा अगर लास्ट वाला नंबर सेम हो। अब ये वाला इसमें क्या एलसीएम आएगा आपके 6 एलसीएम आ जाएगा दोनों 2 3 6, और यहाँ पर 2 1 2 3 6, हाँ 2 आ जाए, 2 और 5 आ रहा है इसमें, इसमें 4 कॉमन आएगा, एक्स एक्स 4 एकम 4x,
ये हो गया आपके 5x/6 और ये हो गया आपके 6x/5x/4। पीछे गुणा कर दो, ये आ जाएगा 20x = कितना आ जाएगा 30x। अब हम क्या करेंगे, इसके सामने कुछ ऐसा ही नंबर ऐड कर लेंगे। क्या यार, जीरो ऐड करने से कुछ फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता जीरो ऐड करने से। अगर हम एक एक ऐड करते हैं तो ये बढ़ जाता है, घटता तो कुछ चेंज होता है। एक एक बढ़ा दो तो दोनों तरफ कुछ ना कुछ बढ़ा हो, एक ही बढ़ा सकते आप तो लिख सकते हो दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दो जोड़ लो, तीन जोड़ लो, पांच जोड़ लो, जोड़े कर भी ये नियम काम कर रहे हैं। ये ax+b और cx+b तो सेम नंबर ये वाला। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके, जीरो आ जाएगा, ये आ जाएगा x का वैल्यू जीरो।